Welcome to a new video. First, I want to tell you that मुझे पता है I am very inconsistent. November आधा चला गया and मैंने सिर्फ दो videos upload की है, which is shameful. But you know, मेरा वो rediscover वाला phase चल रहा है again. तो please थोड़ा समझ जाना please. So today's video is about a haul. इनिशियली मैंने प्लान किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगी अबाउट 2000 रुपीस के अंदर अहमदाबाद के स्ट्रीट मार्केट में से हम क्या क्या ले सकते हैं. सो आई वेंट टू सम ऑफ द स्ट्रीट मार्केट्स जहाँ पे अच्छे कपड़े मिलते हैं एंड मुझे व्लॉग नहीं हो पाया वहाँ पे भी. इमेजिन कर लो मैं वहाँ पे गई और मैंने शॉपिंग की है एंड ये सारे कपड़े मैंने लिए हैं एंड आई एम गोइंग टू show you that. Mostly वहाँ पे winter clothes थे तो मैंने कुछ normal t-shirts वगैरह buy की है. तो yeah, let's start. First of all, tell me how I'm looking today. I know I'm gorgeous. So this is the first thing. ये मैंने basically New Year's के दिन पहनने के लिए खरीदी थी. ये है एक बांधी की short कुर्ती. इसका कलर देख के ही मुझे बहुत पसंद आ गया था. यू नो आई लव ग्रीन. ये लिया फॉर 300 रुपीज ओनली. इट इज़ वेरी कॉलेज फ्रेंडली ऑल्सो. सेकेंड थिंग विच आई बॉट इज दिस अ शर्ट. नाउ आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद शर्ट एंड उसको अलग अलग तरीके से पैरअप करना. मतलब मेरे माइंड में है, मैंने पिंटरेस्ट पे भी सारे ऐसे इंस्पो ढूंढ के रखे हैं बट मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया. सो आई एम बिल्डिंग एन आउटफिट. तो दिस इज़ द ओवर साइज शर्ट जो पर्पल एंड वाइट कलर में मिल गई. मतलब चमत्कार हो गया. मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए थी, वो थी बट उसमें पता नहीं मज़ा नहीं आ रहा था. एंड व्हेन आई सॉ दिस तो मैंने बोला कि यार ले ही लेते हैं. सो इसकी स्लीव्स भी ना मतलब बड़ी नहीं है, हाफ स्लीव है. एंड इसका मटीरियल Not that good, मतलब and not that bad also. मतलब चलता है. 300 में आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते. इसको मैं स्टाइल करना चाहती हूँ विथ वाइट जीन्स एंड वाइट इनर. तो ये बहुत ही कूल लगेगा, है ना. नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट इज दिस. मुझे ना ऐसा कुछ क्रॉप इनर वेयर चाहिए था जिससे मैं स्टाइल कर सकूं विथ दिस शर्ट एंड दैट शर्ट ऑल्सो. बट वाइट कलर में मुझे मिल नहीं रहा था एंड ये पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा. मतलब समझ रहे हो, दिस इज़ लाइक गुड मटीरियल इनर एंड उस पर ऐसी वाइट कलर की लेस लगी हुई है और ये हार्ट शेप का है, लाइक प्रॉपर हार्ट शेप का है. दिस वन इज़ फॉर ओनली 290 रुपीज़. सो आई थिंक इट्स अ प्रिटी गुड डील. मतलब 290 रुपीज़ में आपको इतना क्यूट मिल रहा है. मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं इसे कैसे स्टाइल करूँगी बिकॉज पर्पल शर्ट के साथ तो ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है. एंड इसे ऑन इट्स ओन पहनने में थोड़ा सा रिस्क है बिकॉज इट्स वेरी डीप. तो आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया. बट मेरे साथ क्या होता है, मैं कपड़े लेती हूँ उसके एक दो साल बाद मैं उस कपड़े को रियली में पहनना स्टार्ट करती हूँ. पड़े रहते हैं मेरे वार्डरोब में बट एक दो साल बाद उनकी बारी आती है. आई डोंट नो क्यों है ऐसा. द नेक्स्ट टू थिंग्स आर दिस टी शर्ट्स. नाउ लिसन टू मी, ये टी शर्ट्स दे आर अगली. आई नो दे आर अगली. मैंने पता नहीं क्यों खरीदा बट द थिंग इज़ जो शॉपकीपर था ही वॉज रियली नाइस टू मी एंड मुझे उनका कलेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया था बट ही वॉज सो नाइस टू मी दैट अच्छा ठीक है दो चीज़ ले ही लेती हूँ. तो मैंने ये दो टी शर्ट सिंपल टी शर्ट खरीदी फॉर 300 रुपीज़. मतलब 150 ईच. मतलब ठीक है, इतनी बुरा भी नहीं है डील. सनलाइट ज़्यादा इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये जो कुशन है ना ये एग्जैक्ट सेम कलर. आई डोंट नो, आई एम रियली ऑब्सेस विथ लेमन कलर राइट नाउ. मैंने कुशन्स भी उसी कलर के लिए है. ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है बट इट इज़ अ लिटल टाइट. ऑल दो इस पर मीडियम साइज लिखा है बट इट इज़ लिटल टाइट. बट आई हैव एन आउटफिट रेडी. इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर का जैकेट पहनूंगी एंड इसके नीचे ब्लैक कलर का मॉम जीन्स. दैट विल लुक सो कूल. या आई एम एक्साइटेड फॉर दैट आउटफिट. और ऐसे इसे हम घर पे भी पहन सकते हैं. मतलब मेरी वीडियोस में पहनने के लिए मुझे एक टी शर्ट मिल गई.
वैसे भी मेरे पास कुछ गिनी चुनी टी शर्ट है, मैं वही पहनती रहती हूँ, सो 150 फॉर दिस इज नॉट एट ऑल बैड, यू नो. मुझे भूख लगी है बट मेरे घर पे है ना अभी लौकी की सब्जी है एंड आई डोंट लाइक लौकी दैट मच टू बी ऑनेस्ट, बट मैं खा लेती हूँ. तो फटाफट ये फिनिश करके मैं खाने बैठती हूँ. आई एम हंग्री. दिस इज द टी शर्ट. नाउ आई वॉन्टेड टू बाई रेड बिकॉज मेरे पास ना रेड कपड़े बहुत कम है, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मैं इसे कैसे स्टाइल करूँ. इसके अंदर ऑफकोर्स इनर पहननी पड़ेगी बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट, बट कौन सी इनर पहनूँ मैं, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा बिकॉज दिस इज़ वेरी ऑफ वाइट इन कलर और मेरे पास जो इनर है वो एकदम ब्राइट वाइट कलर की है, सो क्लैश हो रहा है और बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही है उसमें. तो इफ़ यू हैव एनी आइडिया लेट मी नो हाउ शुड आई स्टाइल दिस. वैसे अगर इसको स्टाइल करें तो इससे बहुत ही कूल लुक क्रिएट कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा इसको कैसे कैरी करें कॉलेज में. पीछे से ये ऐसी है, मतलब रेड कलर की स्ट्रिप्स है और आगे से प्लेन वाइट और यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर द बेस्ट. आई नो आई एम द बेस्ट, दैट्स व्हाई आई बॉट दिस. दिस टू फॉर 300, ऑलमोस्ट 300 मीन्स 600, 300, 900, 300 ऑल्सो, सो 1200. नाउ लेट स्टार्ट जीन्स. आई एम ऑब्सेस विथ वाइड लेग जीन्स, सारे वही हैं एंड ऑनेस्टली मैं मोटी हो चुकी हूँ तो मुझ पर वाइड लेग जीन्स ही सूट करते हैं. आई एम ट्राइंग टू लूज वेट. सो फर्स्ट इज दिस जीन्स. आई लव दिस जीन्स सो मच, आई कांट इवन बिगिन टू स्टार्ट. दिस इज लाइक ड्यूअल शेड जीन्स. मैं इसे कैसे डिस्क्राइब करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट इट इज़ वेरी कूल. द फिटिंग इज सो गुड, द मटीरियल इज लाइक 8/10. इसमें आगे पॉकेट्स नहीं है बट पीछे है एंड इट लुक्स वेरी कूल वेन यू स्टाइल इट विद सिंपल टी शर्ट. या दिस वन इज फॉर 450 rupees. नेक्स्ट जीन्स, अगेन मुझे पता नहीं मैंने ये जीन्स क्यों लिया बट मैंने ले लिया. इसमें कुछ ऑनेस्टली इतना है नहीं खास. यहाँ पे कुछ पैचेस है और यहाँ पे कुछ पैच है एंड इट्स अ सिंपल ब्लू डेनिम जीन्स. इसकी क्वालिटी है लाइक 6.5/10, बट इसको आप कॉलेज में पहन के जाओगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा एंड इट इज़ प्रीटी स्टाइलिश, यू नो. वन मैंने बहुत बार्गेन किया आंटी के साथ, प्लीज़ आंटी मुझे 400 में दे दो प्लीज़. फिर आंटी ने बोला 420 एंड दैट्स इट. सो आई वॉज लाइक ठीक है 420, सो आई गॉट दिस फॉर 420 rupees. नेक्स्ट वाइट जीन्स. मुझे ना दो कलर की जीन्स चाहिए ही थे, वाइट एंड ब्राउन, बिकॉज मेरा जो फॉरएवर 21 वाला टॉप है उस पर आई गेस ब्राउन एंड वाइट जीन्स सबसे ज़्यादा सूट करेंगे, तो मैंने ये जीन्स लिया है. ये सूट कर रहा है बट ब्राउन जीन्स कुछ ज़्यादा सूट करेगा और ब्राउन जीन्स मुझे अभी तक नहीं मिला है. आई विल सर्च, बट ब्राउन जीन्स को आने में टाइम लगेगा और ये हॉल वीडियो बनाना ज़रूरी था. सो दिस इज़ द लास्ट जीन्स, सिंपल अ लिटल ऑफ वाइट जीन्स एंड कुछ खास नहीं है ये, सिंपल एकदम नीचे थोड़ा ऐसा है. इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो. मैं इतने सारे आउटफिट मेरे माइंड में क्रिएट कर रही हूँ बट किसके लिए, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहीं पे नहीं, मुझे घर पे ही रहना है, सैड लाइफ. बट अगर आप बाहर जाओगे नहीं तो फिर कैसे मिलेगा लड़का. सो यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू गो आउट एंड सोशलाइज. मैं क्या बात कर रही हूँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा, ये हॉल वीडियो है, हॉल वीडियो. आई हैव वन आइडिया सो लेट्स जस्ट ट्राई इट. आर यू रेडी? What the fuck? This is so cool. मैंने सोचा कि इस टॉप को हम किसी के ऊपर पहनते हैं, so I wore it on this transparent shirt and it is looking so good. This is crazy shit. I feel like I need prints right now. I feel like I am a princess किसी किंगडम की और मैं हॉर्स राइडिंग के लेसन्स लेने जा रही हूँ. So, you know, oh my god, this is like next level. I never felt this fashionable before. I love this creation.
It is so Pinteresty and I'm little extra, so I will carry this extra glasses of mine. तो जीन्स का हम हिसाब करें 450, 420, 820, 450, 1270, am I right? So clearly हमारा बजट 2000 था और हम ओवरबोर्ड चले गए हैं. आई थिंक मैंने जो टी शर्ट एक्स्ट्रा ली है, अगर मैं वो ना लेती तो चलता वैसे. बट या जीन्स तो मुझे लेने ही थे कुछ भी करके. सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट एंड आई विल बी कंसिस्टेंट. ओके, वीकली दो अपलोड्स. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पोस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब कर लो यार. मुझे पानी पूरी खानी है. तुमको पता है इस संडे मेरे घर पर पानी पूरी बनी थी. सब ने मेरे सामने बैठ के पानी पूरी खाई और मैं नहीं खा पाई. मेरा ऐसा जी जला है, मैं क्या बताऊँ. मुझे स्मेल आ रही थी पानी पूरी की, कैसे कंट्रोल किया मैंने. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen but the last reach is gone. I hope somewhere your voice promises lessened us more. But still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured. For things we're dreaming of are always out of the store. Pages, light of pages to forget. I'm so bored to say. Call me if you need a hand. I know तुमने subscribe कर लिया. You're a good human. I know that.